हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ना हम सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी तरीके से बनाने वाले हैं पास्ता। मैं जब छोटी थी ना तो माँ मुझे ऐसे ही पास्ता बना के दे देती थी टिफ़िन बॉक्स में, जो कि मुझे तो पसंद थी और साथ ही साथ मेरे दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। बहुत ही यमी बनती है दोस्तों और बड़े ही फटाफट से बन जाती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए आलू। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के आलू को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसके बाद हम ले लेंगे अंडे। तो मैंने यहाँ पे दो अंडे ली है, आप चाहो तो एक अंडे से भी बना सकते हो। दो अंडे ले रही हूँ मैं और इसी के हिसाब से बस थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे और बस अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। और उसके बाद सीधा चलेंगे हम गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने यहाँ पे एक पतीले में ले ली है पानी। पानी में हम एक उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक अभी डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो पास्ते के अंदर ना नमक जाएगी नहीं। तो पास्ता मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप जितना। स्पाइरल पास्ता ली है मैंने, आप कोई भी पास्ता ले सकते हो। मुझे ना स्पाइरल पास्ता सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो पास्ता को हम उबाल लेंगे 60% तक, उससे ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा चेक कर लेना दोस्तों, हाथों से टच करके आप चेक कर सकते हो, नहीं तो सबसे आसान वाली प्रोसेस क्या है, आप एक खा के ही देख लो। तो ये तो तैयार हो चुकी है, अभी हम इसको निकाल लेंगे पानी में से। ऐसे ही बस साइड में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक पैन और उसमें ले लेंगे तेल। तो 3 मैंने यहाँ पे बड़े चम्मच जितना तेल ली है और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसको रख देंगे मीडियम फ्लेम पे और इसमें डाल देंगे आलू। आलू को हम बस थोड़ा सा ही फ्राई कर लेंगे। तो आलू में नमक डालना ज़रूरी है तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हल्दी पाउडर नहीं डालनी है दोस्तों, हल्दी पाउडर डालने से ना ये जल जाएगी। तो नमक डाल के हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रखेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद ढक्कन खोल के हाई फ्लेम पे इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लेना। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए हम इसको निकाल लेंगे तेल में से और उसी तेल में हम डाल देंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पे प्याज ली थी और उसी के साथ पे हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर देना, और आप खुद के लिए बना रहे हो तो आपको जैसा तीखापन चाहिए वैसे आप बना सकते हो। इसको हम बस थोड़ा सा ही फ्राई कर लेंगे, प्याज थोड़े से ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। उसके बाद प्याज को ना हम निकाल लेंगे तेल में से। उसके बाद उसी तेल में हम डाल देंगे ये अंडे के घोल को, जिसको हमने अच्छे से फेंट के रखा था। अभी ना हम अंडे के भुर्जी बना लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना और इसी तरीके से अंडे का भुर्जी बना लेना है आपको। ऑमलेट बनाते समय जैसा कलर होता है ना दोस्तों, उतने हद तक हमें इसे फ्राई नहीं करनी है, बस 70% हो जाए। उसके बाद हम ये फ्राई करके रखी हुई चीज़ें डाल देंगे और उसके साथ में डाल देंगे पास्ता और साथ ही साथ डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालना ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन हल्दी पाउडर डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, नहीं तो नहीं आएगी। आपको अगर सॉस चाहिए ना तो आप इसमें सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन आज ना मैं इसे बिना सॉस के बनाने वाली हूँ। बहुत सारे सॉस डाल के, ओरिगैनो फ्लेक्स डाल के तो आपने बहुत बार खाई होगी दोस्तों, एक बार इस तरीके से बना लेना, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बहुत ही जल्दी बन गई है दोस्तों, बस इसको मिलाना होता है और ये बन जाती है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, आपको भी ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और टिफ़िन बॉक्स से मैंने उसी के साथ में थोड़े से केले भी रख दी है और थोड़े से मैंने यहाँ पे आमंड भी रख दी है, बस इसको एंजॉय करना है। गर्मा गर्म तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, ठंडा होने के बाद भी यह ना लाजवाब लगती है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले पास्ता कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।